हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो युगल किशोर चतुर्वेदी शामिल थे, चिरंजलाल शर्मा ये भी शामिल थे, भोलानाथ ये भी शामिल थे, लेकिन प्रेम नारायण माथुर शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, सीकर से। नेक्स्ट, तीसरा बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, चिलय का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? तो अली राजा ये भी संबंधित थे बीकानेर से, हमीद ये भी संबंध थे, अहमद ये भी संबंध थे, और साहिबराम ये नहीं थे बीकानेर चित्रशैली से। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पाँचवें का। नेक्स्ट, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित करना है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, सुरलिया कान का आभूषण है। नेक्स्ट, संकरिया नृत्य संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, कालबेलियाओं से। अगला, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, पलहण। नेक्स्ट, चारण चर्जाएं से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, करणी माता की स्तुतियाँ। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलवाता है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिलवाता है, और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं दिलाता, और राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को दिलवाता है, और राज्य के मंत्रियों को इनको भी दिलवाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, दसवें का। नेक्स्ट, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट, वर्तमान मुख्य सचिव, वर्तमान में तो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत, तो इसमें उस टाइम मुख्य सचिव उषा शर्मा थी, उससे पहले एक मुख्य सचिव यानी महिला मुख्य सचिव भी रह चुकी हैं, तो कुल मिलाकर 2 महिला मुख्य सचिव रह चुकी है राजस्थान में। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के राज्यपाल को। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, गलत है पहला। दूसरा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके होंगे, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंद्रह बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायत राज से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 243 पंचायत राज से संबंधित है, अनुच्छेद 40 भी है, और 11वीं अनुसूची भी है, लेकिन अनुच्छेद 41 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटम स्पीकर कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, गुलाब चंद कटारिया, और 16वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटम स्पीकर हैं कालीचरण सराफ। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1985 में। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, डेल्फी खेलों में आयोजन तो अभी तो ये दोबारा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि 2023 का करंट है ये। नेक्स्ट,
2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है? पहला है लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है, सही है। बाल लिंग अनुपात घटा है, ये भी सही है। और जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये गलत है। और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी गलत कथन है ये। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अवनी लखेरा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस आयु वर्ग की महिला उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, 10 वर्ष से 45 वर्ष। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की थी, सही है। इससे आने वाली 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, यह भी सही है। और यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये गलत है। और विलुप्त होती परंपराओं हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का नाम है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। नेक्स्ट, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 90%। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सूचियों को सूची दो को, द्वीप है और महासागर है। तो गैलापागोस द्वीप है, ये है प्रशांत महासागर में, और कनारी द्वीप है ये अंध महासागर में, और डियागो गरासिया द्वीप ये है हिंद महासागर में, और न्यू साइबेरियन द्वीप ये है आर्कटिक सागर में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है? तो व्यापारिक पवन है, पछुआ पवने भी हैं, ध्रुव हवाएं भी हैं, और लेकिन मानसूनी हवाएं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य यानी एसडीजी को अपनाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 2015 में। नेक्स्ट, जनसंख्या प्रवर्धन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, पूर्वांचल हिमालय के निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उत्तर, सबसे उत्तर में है पटकोई, फिर नागा, फिर बैरिल, फिर मिजो। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, BCAD। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उत्तम मौसमी वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, कोरोमंडल तट के सहारे। नेक्स्ट, पेन गंगा और बेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी की। नेक्स्ट, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, मैग्रोव वनों की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय क्षेत्र नहीं है? तो मुंबई हाई पश्चिमी क्षेत्र का अपतटीय क्षेत्र है, बसिन भी है, अलियाबेट भी है, लेकिन अंकलेश्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट,
भारतीय खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर एक आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। कथन बी है, अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पॉम का शुभारंभ किया गया था। ये भी सही है, तो यानी ए बी दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ये आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है 21-22 का। नेक्स्ट देखते हैं, उन्नीस सौ पैंतीस के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन को। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों के उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, अधिनियम 1919। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन, फिर केंद्रीय विधायिका के दो सदन, फिर केंद्र इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण, फिर संविधान सभा की रचना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी ए डी सी। नेक्स्ट, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मुंबई का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो एन जी आयंकर थे ये भी, और ये थे एम एस सादुल्ला ये भी थे, के एन मुंशी भी थे, लेकिन एस सी मुखर्जी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) के राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, इन आधार पर निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यानी धर्म भी है, नस्ल भी है, जन्म स्थान भी है, लेकिन भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, ये अनुच्छेद 51(1)(a) के साथ में, तो 1 का 2, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये अनुच्छेद 51(1)(a) के 9 में, तो 2 का 4, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये अनुच्छेद 51(1)(a) के 8 में, और देश की रक्षा ये अनुच्छेद 51(1)(a) के 4 में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1 का 2, 2 का 4, C का 1, D का 3। नेक्स्ट, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा हुआ है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन जुड़ा हुआ है, समान नागरिकता को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार ये भी है, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्र न हो ये भी है, लेकिन निजी संपत्ति का विरोध ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 52 का। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों को राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 201 के तहत। नेक्स्ट, निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी को। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नांकित में से कौन सा युग्म गलत है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी की स्थापना 1999 में सही है, नेशनल पीपुल पार्टी 2013 सही है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 सही है, बहुजन समाज पार्टी 1985 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड पार्टी ब्लॉक ये पश्चिम बंगाल संबंधित है, तो 1 1 का 2, और बीजू जनता दल ये उड़ीसा,
और इंडियन नेशनल लोक दल ये हरियाणा, और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1949 में। नेक्स्ट, भारत की अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के रूप में कितनी बार चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 8 बार। नेक्स्ट, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील में। नेक्स्ट, भारत पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर यानी ओसिया जोधपुर में, भालेरी चूरू में, और देशनोक बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट, हाँ, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिणी पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, पाली में। नेक्स्ट, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। पहला, यह कोटरा उदयपुर के कोटरा से उद्गमित होती है। बी है असमति, मेश्वर तथा बेतरव इसकी सहायक नदी है। सी है यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो ये साबरमती, साबरमती के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों की सहायता से उत्तर का चयन करना है। सूची एक को सूची दो सम्मिलित करना है। फसल है और प्रमुख उत्पादक है जिले हैं, तो गेहूं का श्रीगंगानगर हो जाएगा, बाजरे का अलवर हो जाएगा, चावल का बूंदी हो जाएगा, और मक्के का भीलवाड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट, 19वीं पशुगणना 2012 से 20वीं पशुगणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की संख्या में परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 1.66% की कमी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, पाली का। नेक्स्ट, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का संयुग्म है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, गंगानगर और झुंझुनू। नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है? पर्यटक केंद्र है और स्थिति है, तो गागरौन किला, झालावाड़ सही है, कपिल सरोवर कोलायत सही है, और दौलत बाग अजमेर सही है, लालगढ़ किला जैसलमेर ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? तो बिरला सीमेंट वर्क लिमिटेड है चित्तौड़गढ़ में, जेके सीमेंट लिमिटेड ये भी है, आदित्य सीमेंट वर्क ये भी है, लेकिन हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 90 बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, बैराट से। नेक्स्ट, मंडोर प्रतियार वंश के किस शासक ने वंशावली प्रारंभ होती है? मंडोर प्रतियार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, रज्जिल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित 54 शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट,
जालौर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा, कीर्तिपाल। नेक्स्ट, 95 बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। फाइनल आंसर आंसर की में। नेक्स्ट, प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा, जाबलीपुर, जाबलीपुर। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी में विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर दो से हो जाएगा, कर्नल एबॉट। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर में। नेक्स्ट, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा, कांति चंद्र चौथाणी के प्रयत्नों से। धन्यवाद आप सभी को।